देवरिया से आदित्य नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। कोविड 19 पर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डॉ तरुण कुमार सिंह ने कोविड 19 को लेकर अपने बयान को साझा किया है। जानते हैं क्या कहा उन्होंने। कोरोना को लेकर क्या ये कोरोना जो चल रहा है ये एक दिखावा है या वास्तविकता है? ये वास्तविकता है। देखिए उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता है, जहाँ 30,000, 25,000, 40,000 इससे ज्यादा जांचें नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ जनता पे 40,000, 50,000 रोज जांच करा रही थी। स्वाभाविक है कि केस जो डिटेक्ट होगा वो कहाँ होगा, जहाँ ज्यादा जांचें हो रही हैं। जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर पे कितने बड़े घोटाला किए, 1500 का थर्मामीटर 15,000 में खरीदा गया। जहाँ जहाँ पे चुनाव हो चुके हैं वहाँ तो कोरोना भी खत्म हुआ, ऐसी हवा चल रही है। क्या लगता है कि जो है 2022 तक ये चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं जहाँ जॉब करता हूँ अभी भी वहाँ 12 पेशेंट एडमिट है। तो आपको लगता है कि वास्तविकता है? ये वास्तविकता है। और मनोज कांत मिश्रा टेलीफोन आदि। तो कैसे इसको जो है इस बीच आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क लगाकर, अपने आप को प्रिकॉशन रखकर और आम जनता को प्रिकॉशन के बारे में जानकारी देकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आम जनता से मिलेंगे और उन्हें सलाह देंगे और अपने पार्टी की नीतियों को अवगत कराएंगे कि हमारी आम आदमी पार्टी किस नीति पे कार्य करेगी।